अच्छी गल है, पार्टी जदों भी जिन्हों भी डिसाइड करे असी वेलकम करते हैं। लोग इन्ने बेवकूफ तो है नहीं, लोगों ने चॉइस करनी होंगी है, लोगों ने वोट्स पानिया होंगी है। सो अच्छी गल है, जिन्हों मर्जी करन की फर्क पैंदा है। लेडी सुनीता सुमन तूर है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नवजोत सिंह सिद्धू की भैन है, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने ब्लॉक किया वा ते उन्हां दी मदर दी भी डेथ। मैं उन्हां नूं नहीं जानती, उन्हां दी कोई फादर द पहली मैरिज सी किसी लेडी नाल, उत्थे दो डॉटर्स हुई सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती। मतलब मजीठिए से लड़न नाल ज्यादा मेहनत करनी पैनी है? बिल्कुल भी नहीं, असि अपनी मेहनत शुरू तो करदे आए हैं, जिन्ने पैसे मिलते हैं उन्हें ईमानदारी नाल लांदे आए हैं, तो उहदे नाल तां घट मेहनत करनी पैनी है, क्योंकि मैनू नहीं लगता कि जिहड़े बंदे ने सारे पंजाब दी पीढ़ी सारे बच्चे बर्बाद किए हैं, मजबूर किया लोगों को कि कैनेडा तो बाहर जान, क्योंकि इन्ने साल इन्होंने राज किया तो कुछ भी यहोजा नहीं कर पाए पंजाब च, जिदे विच पंजाब दे बच्चे पंजाब च रह जान, सारे भज भज के बाहर जा रहे हैं आईलेट्स क्लीयर करके। सो यही दर्शाता है भी तुम पंजाब कुछ किया ही नहीं, बच्चों लिए नहीं किया, कोई कॉलेज कुछ यहोजा लैवल का किया ही नहीं भी बच्चे इतने ठहरन। सो ये डिजर्व ही नहीं करते, इन्हों ऑलरेडी लोग पंजाब के नकार चुके हैं, एंड जिनी मर्जी कोशिश कर लें, वैसे भी बड़े बादल साहब की गेम है कि इन्हों टोटली खत्म किया जाए, यदि बेइज्जती की जाए ताकि मेरे मुंडे नूं कोई पूछ सके। अच्छी गल है, पार्टी जदों भी जिन्हों भी डिसाइड करे असी वेलकम करते हैं। लोग इन्ने बेवकूफ तो है नहीं, लोगों ने चॉइस करनी होंगी है, लोगों ने वोट्स पानिया होंगी है। सो अच्छी गल है, जिन्हों मर्जी करन की फर्क पैंदा है। लेडी सुनीता सुमन तूर है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि नवजोत सिंह सिद्धू की भैन है, नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्होंने ब्लॉक किया वा ते उन्हां दी मदर दी भी डेथ। मैं उन्हां नूं नहीं जानती, उन्हां दी कोई फादर द पहली मैरिज सी किसी लेडी नाल, उत्थे दो डॉटर्स हुई सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती। मजीठिए से लड़न नाल ज़्यादा मेहनत करनी पैनी है? बिल्कुल भी नहीं, असि अपनी मेहनत शुरू तो करदे आए हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं उन्हें ईमानदारी नाल लांदे आए हैं, तो उहदे नाल तां घट मेहनत करनी पैनी है, क्योंकि मैनू नहीं लगता कि जिहड़े बंदे ने सारे पंजाब दी पीढ़ी सारे बच्चे बर्बाद किए हैं, मजबूर किया लोगों को कि कैनेडा तो बाहर जान, क्योंकि इन्ने साल इन्होंने राज किया तो कुछ भी यहोजा नहीं कर पाए पंजाब च, जिदे विच पंजाब दे बच्चे पंजाब च रह जान, सारे भज भज के बाहर जा रहे हैं आईलेट्स क्लीयर करके। सो यही दर्शाता है भी तुम पंजाब कुछ किया ही नहीं, बच्चों लिए नहीं किया, कोई कॉलेज कुछ यहोजा लैवल का किया ही नहीं भी बच्चे इतने ठहरन। सो ये डिजर्व ही नहीं करते, इन्हों ऑलरेडी लोग पंजाब के नकार चुके हैं, एंड जिनी मर्जी कोशिश कर लें, वैसे भी बड़े बादल साहब की गेम है कि इन्हों टोटली खत्म किया जाए, यदि बेइज्जती की जाए ताकि मेरे मुंडे नूं कोई पूछ सके।